नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन से इज रेनड्रॉप्स ऑफ रेडियस वन एम एम एंड मास फोर मिलीग्राम आर फॉलोइंग विद द स्पीड ऑफ थर्टी मीटर पर सेकेंड ऑन द हेड ऑफ अ बॉल्ड पर्सन द ड्रॉप स्प्लैश ऑन द हेड एंड कम्स टू रेस्ट अज्यूमिंग अज्यूमिंगसी दैट द ड्रॉप्स कवर अ डिस्टेंस इक्वल टू देयर रेडियाई ऑन द हेड एस्टिमेट द फोर्स एग्जर्टेड बाय ईच ड्रॉप ऑन द हेड ये अपने को बताना है ना फनी सिचुएशन है पर सवाल आसान है सिचुएशन ये है कि से ये आपका एक पर्सन है सो इज़ अ बॉल्ड पर्सन ये और यहाँ पे आपकी रेनड्रॉप्स ऐसे यहाँ पे ड्रॉप कर रही हैं इसके सर पे। ना इस केस में हमें रेन ड्रॉप का दिया हुआ है कि इनका जो मास है दैट इज़ फोर मिलीग्राम, सो यानी कि टेन टू दी पावर माइनस सिक्स किलोग्राम इतना तो आपका मास हो गया रेडिया उनका दे रखा है वन मिलीमीटर mm, और इनकी स्पीड जो है वो अपने को दी हुई है थर्टी मीटर पर सेकेंड नाउ व्हेन दीज ड्रॉप दे फॉल सर पे जैसे गिरती हैं उसके बाद वो रेस्ट पे आ जाती हैं हमें बताना है कि कितना फोर्स आपका एक ड्रॉप ने इस पर्सन पे लगाया या पर्सन ने रेन uh, ड्रॉप पे लगाया इधर वेज ऑल सो इस केस में अगर हम एक्सेलेशन देखेंगे इस मोशन का थर्ड इक्वेशन यूज करके हम लिख सकते हैं एक्सेशन विल बी इक्वल टू यू स्क्वायर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइड बाई टू एस वी जो है आपकी वो फाइनल वेलोसिटी जीरो हो रही है सो so जीरो माइनस यू स्क्वायर यानी कि थर्टी का स्क्वायर जो कि नाइन हंड्रेड हो जाएगा डिवाइड बाय टू मल्टीप्लाइड बाई एस यहाँ डिस्टेंस ट्रेवल हमें बोला है इक्वल टू वन रेडियस सो मल्टीप्लाइड बाय टेन टू द पावर माइनस थ्री सो इसकी वैल्यू आ गई नाइन हंड्रेड मल्टीप्लाइड बाय टेन टू द पावर थ्री डिवाइड बाई टू यह आपका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में इतना आपका एक्सलेशन हो गया नाउ फोर्स जो है फोर्स दैट विल बी इक्वल टू एम ए यानी कि जो मास है फोर इंटू टेन टू द पावर माइनस सिक्स मल्टीप्लाइड बाई नाइन हंड्रेड इंटू टेन टू द थ्री डिवाइडेड बाई टू ना उसे सॉल्व करेंगे सो एक टू यहाँ कैंसिल हो जाएगा एक दो तीन चार पाँच ये आपका बचेगा टू इंटू ये बचा आपका वन न्यूटन सो दैट विल बी आर फाइनल आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम